हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ जानते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आज क्या न्यूज है। 2019 या उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को वहाँ पे राहत मिली है। 1.7 लाख शिक्षकों की बीपीएससी राज्य से बहाली होनी है। तो बी और फिर यहाँ पे एक नई है कि अगर आप बीटेक वगैरह किए हैं कंप्यूटर शिक्षक में, बीएड की कोई डिग्री नहीं है, आप डायरेक्ट इसका एग्जाम देकर टीचर बन सकते हैं। अगर आपने बी और बीटेक है तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का बीटेक है। और यहाँ पे देखते हैं दूसरी न्यूज क्या है। बीपीएससी इसी सप्ताह से शुरू होगी आवेदन। साथ ही साथ एक चीज और है, सूत्रों के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड सत्र 2021-23 में वैसे अपेयरिंग छात्र जो आवेदन कर सकेंगे, अगर आपने अपेयरिंग में सीटेट या बीटेट जैसा कुछ परीक्षा ऐसा पास किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जो भी नई है, जितने भी नई इन्फॉर्मेशन थी। कक्षा 1 से 12 में भर्ती इस बार कक्षा 1 से 12 में 170,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। शिक्षा विभाग ने तय कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है और किसी भी उम्र के नियोजित शिक्षक इस जैसे कि नियोजित पर होता है ना, तो वहाँ पे कर सकते हैं। आयु सीमा में इस तरीके की कुछ कुछ छूट दी गई है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन था। 9th-10th के लिए गणित के साथ बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दो स्नातक स्तर पर हो, जिसमें इंजीनियरिंग से स्नातक तथा गणित की विशेषज्ञता हो, वहीं जंतु और वनस्पति विज्ञान रसायन शास्त्र की पढ़ाई किया हो, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।